हेलो स्टूडेंट्स, ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है, थर्ड और फोर्थ की बात करेंगे एक्सरसाइज 6.4 के। ये फिगर आपको गिवन है, ये जो फिगर है इसमें आपको ऑलरेडी गिवन है। इन द फिगर ए बी सी, लेट्स सी, ए बी एंड सी एंड डी बी सी। डी आपके पास हो जाएगा, सॉरी दिस पॉइंट इज डी है, ओके डी बी सी, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है वो आर दी टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। बेस कौन सा है? बी डी। ठीक है, और वी कैन से सॉरी डी बी सी है, डी बी सी, तो बेस हो जाएगा आपका ये बी सी। इसमें भी बी सी बेस है और इसमें भी बी सी बेस है। ठीक है, इफ़ ए डी इंटरसेक्ट बी सी, जो ए डी है वो बी सी को ओ पे कट कर रहा है, देन शो दैट एरिया ऑफ दीज टू ट्राइंगल इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, ये आपको क्या करना है, शो करना है ए ओ अपॉन डी ओ। अगर मुझे ए ओ अपॉन डी ओ की बात करनी है, इट मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या होना चाहिए, कोई ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और इसे बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, सो सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस ड्रॉ टू परपेंडिकुलर ए पी एंड डी एम ऑन लाइन बी सी। बी सी के ऊपर, ये बी सी थी आपकी, इसके ऊपर हमने ड्रॉ किया, एक तो मैंने ड्रॉ किया यहाँ और दूसरा मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ। परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होंगे। ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट है एम। ठीक है, नाउ एरिया, आपको पता है कि एरिया अगर मुझे निकालना है ऑफ अ ट्राइंगल तो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया निकालते हैं ट्राइंगल ए बी सी का। ठीक है, हाफ बेस कितना है, बी सी हमें गिवन है, ए बी सी का बेस कितना है, बी सी, और हाइट कितनी हो जाएगी, ए पी, बिकॉज परपेंडिकुलर हमारे पास ये है और यही इसकी क्या होगी, हाइट होगी। ठीक है, सिमिलरली डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ डी बी सी से। मुझे हाइट चाहिए थी इसलिए मैंने परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर लिया, हाफ सेम बेस है बी सी इंटू डी एम, कैंसलिंग एंड यू गॉट ए पी अपॉन डी एम। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए ओ अपॉन डी ओ, हमें ये वाली टर्म चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे हम इसे, कंसीडर द ट्रायंगल, कन्वर्ट करने के लिए कंसीडर ट्रायंगल ए पी ओ एंड डी एम ओ, कौन कौन सा आप देख लो, ए पी ओ ये वाला एक, वो वाला ट्रायंगल तो आपको लेना ही पड़ेगा जिसके अंदर ए पी और ए ओ आए, क्योंकि उसे ही मुझे चेंज करना है, तो मैंने लिया ए पी ओ एंड डी एम ओ। अब इसमें एम ओ और पी ओ भी है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इन्हें सिमिलर प्रूव करेंगे। सिमिलर प्रूव होने के बाद आपको पता है जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो सेम प्रपोर्शन में होंगी, तो हमारा काम हो जाएगा। नाउ जो एंगल है ए पी ओ इक्वल्स टू एंगल डी एम ओ, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री। और जो ये एंगल है, ये वाला ठीक है, आप देख रहे हैं, और एक ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ठीक है, सी दिस वन, ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो लिख दीजिए ए ओ पी इक्वल्स टू डी ओ एम। ठीक है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, एंगल एंगल क्राइटेरिया लगा दें, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ओके सो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ए पी ओ सिमिलर टू ट्रायंगल डी एम ओ। इट मीन्स जो ए पी अपॉन डी एम है, इट कैन बी रिटन लाइक पी ओ अपॉन, सॉरी इट इज पी ओ अपॉन डी ओ, हम ये चीज लिख सकते हैं पी ओ अपॉन डी ओ, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था।
यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ए पी अपॉन डी एम लिया है, आफ्टर दैट पी ओ अपॉन डी ओ लिया है, ठीक है। आप कहेंगे मैम हम अगर सेम सेम प्रपोर्शन में लेते हैं तो कोई बात नहीं, सिमिलर है ना ट्राइंगल, ठीक है। पी और एम आपके पास रहेंगे मिड, ए डी कॉर्नर पॉइंट रहेगा, ओ मिड पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी, क्या था आपके पास ए पी अपॉन डी एम, दैट इज इक्वल्स टू ए ओ, सॉरी यहाँ ए ओ आएगा, पी ओ नहीं, यहाँ पर ए ओ आएगा, मैंने पी ओ लिख दिया गलती से, ए ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। ऐसे लिखते हैं ना हम, सेम साइड्स लेते हैं, तो ए ओ अपॉन डी ओ, दैट इज़ बाई मिस्टेक, सॉरी स्टूडेंट्स। अगर पी ओ आएगा तो नीचे फिर एम ओ आएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी ओ अपॉन एम ओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, हाफ बेस इनटू हाइट लगाया है और उसके बाद एंगल्स की सिमिलैरिटी को प्रूव किया है, जस्ट लाइक दिस, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हियर इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, दो सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, एक मैंने ड्रॉ कर लिया है, ये है ए बी और सी, दूसरा मैंने एक और ड्रॉ कर लिया है, एक जैसे होने चाहिए, तो पी क्यू एंड आर, प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं हम, साइड एंगल साइड लगा दीजिए, साइड 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 लगा दीजिए, ठीक है, तो हमारा काम हो जाता है। अगर सिमिलर हैं तो एरिया जो है हमारे पास उसका रिजल्ट हम यहाँ लगा सकते हैं, क्लियर। तो सिमिलर हमें गिवन है, हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, एरिया सिमिलर है, ठीक है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, सॉरी एरिया सिमिलर नहीं है, एरिया सिमिलर ट्राइंगल्स का इक्वल है, दैट इज पी क्यू आर, आप लिखेंगे गिवन। एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपके पास, दैट इज ऑल्सो गिवन टू यू, बिकॉज इक्वल देखिए हमें यहाँ पर ये चीज गिवन है, ठीक है, इट इज ऑल्सो गिवन। नाउ सिमिलर है तो आपके पास रिजल्ट लग जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर, ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर। अब ये तो इक्वल है, पुट कर दीजिए एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी, बिकॉज यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा दैट इज व्हाट, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट, कट गया, वैल्यू आई वन, वन इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर, ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म आ गई। अब अगर ये 1 के इक्वल है, इट मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर 1 है, तो ये भी 1 के इक्वल होगा, वैसे प्लस माइनस 1 होता है, बट यहाँ पे हम सिर्फ 1 लेंगे बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ से हो गया ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। सिमिलरली बी सी अपॉन क्यू आर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, तो बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, और ऐसे ही ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू 1, तो ए सी इज इक्वल्स टू पी आर। अब आपके पास तीन साइड्स क्या आ गई, इक्वल आ गई, तीन साइड्स हमारे पास क्या आ गई, बिल्कुल इक्वल आ गई यहाँ से, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल्स टू पी आर, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस, ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन नहीं है, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ओके। तो इस तरीके से प्रॉपरली इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच।